हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, पार्ट वन में हमने आपको ये बॉर्डर बनाना और ये डिज़ाइन बनाना बताया था, और मैंने बताया था आपको मैंने फंदे कितने रखे हैं। ठीक है, अब पार्ट टू में हम देखिए इसकी लंबाई पूरी हो गई है पल्ले की। दोनों पल्ले हमें एक सार बनाने हैं, जैसे मैं आपको एक पल्ला बताऊँगी आगे का और पीछे का, हमारा दोनों पल्ले सेम बनेंगे। देखिए, मैंने ठीक है, मैं थोड़ी लंबी बनाती हूँ अपनी जर्सी। आप 17 पे भी काट डाल सकते हैं अगर आप ज़्यादा लंबी नहीं पहनते। मैं थोड़ी लंबी ही पहनती हूँ जर्सी को, इसलिए मैंने 19 पे काट डालूँगी अपनी। ठीक है, आप देख लीजिएगा, 17 पे भी डाल सकते हैं। जो आपकी पुरानी जर्सी होगी आपको वो सही है, उस हिसाब से आप इसकी लंबाई बना लीजिएगा। देखिए, मोटे की कटाई के लिए दोनों पल्ले हमारे एक सार बनेंगे। जैसा एक पल्ला बताऊँगी ऐसा ही हमारा दूसरा बनेगा। देखिए, सबसे पहले मैं फंदे कम करूँगी। लंबाई पूरी होने के बाद दो फंदों का एक बनाऊँगी, वापस फंदा एक आगे से ले लूँगी। दो फंदे मेरे कम हो गए, वापस फंदा एक आगे से ले लूँगी। ये मेरे तीन फंदे कम हो गए, वापस फंदा एक आगे से ले लूँगी। ये मेरे चार फंदे कम हो गए। ठीक है, चार फंदे मैंने एक सार कम किए। धागा पीछे करने के बाद जो मेरे सिंपल फंदे आएंगे उनको मैं सिंपल बनाऊँगी, जो बीच में डिज़ाइन वाले आएंगे उनको डिज़ाइन वाले बनाऊंगी। लास्ट पे आके दिखाती हूँ मैं आपको। ठीक है, ये मैंने जो बीच में सिंपल फंदे हैं मेरे वो हैं, और ये बीच में मेरा डिज़ाइन है, उसके बाद में मेरे फिर अपने सिंपल फंदे हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, पूरी सिलाई मेरी बन गई है। बीच में डिज़ाइन वाले फंदे डिज़ाइन वाले निकलेंगे, साइड में प्लेन है उसी तरह बनेंगे। अब उल्टी तरफ से, पहले हमने इस तरफ अपने चार फंदे कम किए थे, अब इस तरफ भी हमें उसी तरह अपने चार फंदे कम करने हैं। दो फंदों में सिलाई डाल के एक बनाएंगे, वापस ले आएंगे इस फंदे को, एक आगे से ले लेंगे। दो का एक, वापस एक आगे से, दो का एक, ये तीन फंदे कम हो गए, वापस एक आगे से, दो का एक, ये चार फंदे मेरे कम हो गए। अब उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाऊंगी, जितनी हमारी इस डिज़ाइन में उल्टी सिलाइयाँ हैं पूरी उल्टी बनेगी। सामने आके दिखाती हूँ मैं आपको। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मैंने उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बना ली है, दोबारा मैं घूम के सामने आ गई हूँ। ठीक है, अब देखिएगा इस तरफ एक फंदा उल्टा, ये दूसरा फंदा उल्टा, ये तीन फंदे उल्टे। ठीक है, हमें ये सामने की तरफ बना रही हूँ, तीन फंदे मेरे उल्टे बन गए। जब मैं चौथा फंदा बनाऊंगी आगे दो फंदों का एक बनाऊंगी। ठीक है, तीन फंदे उल्टे हैं मेरी सिलाई में, जब चौथा फंदा बनाना है दो का एक बनाना है, बाकी धागा पीछे करके सेम डिज़ाइन उसी तरह चलेगा। सिंपल फंदे मेरे सिंपल चलेंगे, जो बीच में डिज़ाइन वाले हैं उसी तरह चलेंगे। लास्ट पे आके दिखाती हूँ मैं आपको। ठीक है, हमने चेंज किया है, चार फंदे मैंने पहले कम कर दिए थे, उल्टी सिलाई उल्टी डाली, वापस घूम के आई हूँ, तीन फंदे उल्टे, चौथा फंदा जब हमें उल्टा बनाना है एक आगे से ले लेना है, एक फंदा मेरा यहाँ पे कम हो गया। ये वाले फंदे मैं उसी तरह बनाऊँगी जैसे मेरा डिज़ाइन है, प्लेन फंदे मेरे प्लेन बनेंगे, डिज़ाइन वाले बनेंगे, लास्ट में भी प्लेन बनेंगे। इस तरफ आके दिखाती हूँ। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मैं लास्ट पे आ गई हूँ, पूरी सिलाई मैंने निकाल ली है। अब इस तरफ सिलाई में मेरे पाँच फंदे हैं। ठीक है, एक दो तीन चार और पाँच, धागा आगे करूँगी मैं, दो फंदों का एक बना दूँगी। पाँच फंदे होने चाहिए मेरी सिलाई में, इस तरफ दो फंदों का एक बन जाएगा, बाकी तीन फंदे उल्टे, एक, ये दो, ये तीन। ठीक है, जब मैंने इस तरफ से फंदे अपने कम किए थे तो भी मेरे लास्ट में तीन फंदे थे और दो का मैंने एक किया था, सेम ऐसे ही मैंने इस तरफ करना है। तीन फंदे पीछे रहेंगे, उससे पहले अब ये मेरे उल्टे चार दिखेंगे। उल्टी सिलाई पूरी घुमा के सामने आके दिखाती हूँ एक बार और। देखिए फ्रेंड्स, मैं उल्टी सिलाई घुमा के ले आई हूँ, सामने आ गई हूँ। अब देखिएगा दोबारा, एक फंदा उल्टा, दो फंदे उल्टे, ये तीन फंदे उल्टे। जब तक हमारे फंदे हमारे मोड़े की हमें लंबाई पूरी नहीं होती, ये फंदे हम इसी तरह बनाएंगे जैसे मैं आपको बता रही हूँ। तीन फंदे उल्टे हो गए,
आगे दो फंदों का एक बनाना है, ऐसे सीधा ही रख के। टोटल हमारी सिलाई में हमें चार फंदे उल्टे दिखेंगे। हर बार हमें इसी तरह करना है, धागा पीछे करके बाकी फंदे उसी तरह बनाएंगे जैसे मैंने आपको पार्ट वन में बताया था। सिंपल सिंपल बनेंगे, बीच में डिजाइन वाले लास्ट पे आके दिखाती हूँ, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, मैं पूरी सिलाई ले आई हूँ बना के। इस तरह मेरे पांच फंदे हैं, 1 2 3 4 5। धागा आगे करूँगी मैं, दो फंदों का एक बनाऊँगी, आगे के तीन फंदे उल्टे, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। फिर सामने आके एक बार और दिखा देती हूँ। दोनों तरफ हमें एक एक फंदा कम करना है, अपने तीन फंदे लास्ट में उल्टे रखने हैं, उसके चौथा और पांचवा फंदा दो का एक कर देना है, तीन फंदे इस तरफ आएंगे। टोटल मेरी सिलाई में उल्टे मुझे चार फंदे दिखेंगे और शुरू में भी मेरे ऐसे फंदे दिखेंगे। तीन फंदे उल्टे बनाऊंगी, जब चौथा फंदा बनाऊंगी एक आगे से ले लूंगी, दो का एक कर दूंगी, बनाना हमें उल्टा ही है, ठीक है। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी सामने आके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, उल्टी सिलाई घुमा के दोबारा फिर सामने आ गई हूँ। सबसे पहले हम तीन फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3, चौथा और पांचवा फंदा दो का एक बनेगा। हर बार जब हम इस तरह से फंदे बनाएंगे, ऐसे ही बनाएंगे, हमारे फंदे कम होते जाएंगे। जो ये सीधे फंदे हैं, ये हमारे फंदे कम होते जाएंगे, बीच वाले सेम बनेंगे। एक बार लास्ट में और देख लीजिए, जब तक हमारे मोड़े की हमें लंबाई पूरी नहीं हो जाती, हम हर बार एक फंदा यहाँ पे कम करेंगे और एक फंदा लास्ट में कम करेंगे, उसके बाद में तीन फंदे उल्टे बनाएंगे। पहले फंदा कम करेंगे, फिर तीन फंदे उल्टे बनाएंगे, दोनों तरफ हमारा सेम डिज़ाइन चलेगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट पे आ गई हूँ। पांच फंदे रखने हैं हमें इस सिलाई में, धागा आगे करके दो फंदों का एक बना देना है और तीन फंदे सिंगल बनाने हैं, 1 2 3। हर बार हमें इसी तरह अपने फंदे कम करते जाना है, दोनों तरफ से एक एक फंदा। जब शुरू में कम करेंगे, तीन फंदे उल्टे बनाएंगे, चौथा फंदा उल्टा बनाएंगे, एक आगे से ले लेंगे, दो का एक कर देंगे, चार फंदे हमारी सिलाई में उल्टे दिखेंगे। लास्ट में बनाएंगे, पहले दो फंदों का एक कर देंगे, उसके बाद में तीन फंदे उल्टे बनाएंगे, ठीक है। इसी तरह हम एक एक फंदा दोनों तरफ से लेकर कम करते जाएंगे और हमारे मोड़े की लंबाई हम पूरी कर लेंगे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, बार बार हमने एक एक फंदा लेके कम करते गए, कुछ इस तरह की कटाई हमारे मोड़े की आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले हमने चार फंदे कम किए, उसके बाद तीन फंदे उल्टे रख के चौथा और पांचवें फंदे का एक किया। हर बार इसी तरह करना है जब तक हमारे ऐसे मोड़े की लंबाई हमें पूरी नहीं मिलती। देख लीजिएगा आप कितने मोटे रखते हैं, मैं 8 इंच के करीब रखती हूँ अपना मोटा। जितने हमारे प्लेन फंदे थे, देखिए मोटा कम करते करते सभी हमारे प्लेन फंदे ख़त्म हो गए। जब तक हम ऊपर तक आए, हमारे प्लेन फंदे ख़त्म हो गए, सिर्फ बीच वाले रह गए जिनके ऊपर हमने डिज़ाइन डाला था। दोनों तरफ से ही इसी तरह आएगी। ये पहला पल्ला है सामने का, पीछे का पल्ला भी हमें सेम बनाना है। दो पल्ले हमारे बन जाएंगे, उसके बाद हम अपनी बाजू बनाएंगे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, बाजू के लिए थोड़ा सा ऐसे ही समझ लीजिए, मैंने 25 जोड़ डाले थे, ठीक है, 25 जोड़ डाले थे मैंने। उसके बाद में इतना बॉर्डर बनाने के बाद उल्टी सिलाई में मैंने अपने 9 फंदे बढ़ाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। आप 6-6 फंदों के बाद एक फंदा पीछे से बढ़ा लीजिएगा। 25 डाले थे मैंने जोड़, 50 डाले थे, 9 मैंने ऊपर बढ़ा लिए, ठीक है। ये मेरे टोटल 59 फंदे हैं जब मैंने अपना डिज़ाइन शुरू किया था। उसके बाद में 9 फंदे प्लेन बनाने हैं, जैसे मैंने आपको पल्ले में बताया था। 9 फंदे मैंने शुरू में प्लेन बनाए, उसके बाद में अपने तीन फंदे उल्टे उसी तरह डिज़ाइन बनाया, लास्ट में भी मेरे 9 फंदे उल्टे आए हैं। ये मैं आपको बाजू का बता रही हूँ। बॉर्डर बनाने के बाद हमने 50 फंदों पर बॉर्डर बनाया, उसके बाद मैंने पिछली सिलाई में 9 फंदे अपने बढ़ाए एक बार में, जैसे हमने अपने पल्ले में बढ़ाए थे। फिर मैंने दोनों तरफ से 9 फंदे प्लेन छोड़ के बीच में मेरे 41 फंदों पे ये डिज़ाइन बनता है, ठीक है। उसके बाद मैंने देखिए अपनी 8 सिलाइयाँ निकाली मैंने, इसी तरह डिज़ाइन की कंप्लीट की, बार बार रिपीट की। उसके बाद मैंने तीसरी सिलाई में अपना फंदा बढ़ाया, एक सिलाई प्लेन निकाली सामने से उल्टी तरफ से, जब दोबारा घूम के आई एक फंदा इस तरह बढ़ेगा,
एक फंदा मेरा इस तरफ बढ़ेगा। दोनों तरफ हर तीसरी सिलाई में मैंने अपने फंदे बढ़ाए हैं, जब तक मेरे यहाँ पे 45 जोड़ नहीं हो गए। 45 जोड़ मेरे यहाँ तक हो गए, करीबन 9 इंच तक मैंने हर तीसरी सिलाई में अपना फंदा बढ़ाया है। उसके बाद मैंने अपना चौथी, छठी, सातवीं, आठवीं सिलाई में, सबसे पहले मैंने तीसरी सिलाई में अपना फंदा बढ़ाया, इतनी बना ली मैंने, ठीक है, 8 इंच के करीब 45 जोड़ हो गए मेरे यहाँ पे। उसके बाद मैंने अपना आठवीं सिलाई के बाद एक फंदा बढ़ाया दोनों तरफ, फिर थोड़ा सा प्लेन बुनने के बाद 2 इंच प्लेन बुन लीजिए, फिर एक फंदा बढ़ाइए। आपको लास्ट में जितने फंदे बनाने हैं उस हिसाब से ऊपर फंदे बढ़ाइएगा। पहले तो हमने देखिए 6-7 इंच तक तो हर तीसरी सिलाई में अपना फंदा बढ़ाना है, जब तक हमारी 6-7 इंच नहीं बन जाती है। एक मिनट दिखाती हूँ मैं आपको, देखिए जब तक हमारी ये 7 इंच तक नहीं हो जाती, बाकी आप अपनी बाजू की मोटाई के हिसाब से देख लीजिएगा, या फिर आप 6 इंच करके उसके बाद में 8वीं 9वीं सिलाई में फंदा बढ़ाने लग जाइएगा। कितने रखते हैं आप लास्ट में उस हिसाब से फंदे बढ़ा लीजिएगा। फंदा हमें देखिए ऐसे बढ़ाना है, ऐसे, और इसी घुमा के इसी सिलाई में ऐसे दूसरा फंदा, बाकी फंदे हमारे प्लेन बढ़ते जाएंगे। डिज़ाइन बीच में जो है वो उसी तरह रहेगा जैसे शुरू से हमारा डिज़ाइन बन रहा है, जो प्लेन फंदे आएंगे वो बढ़ते जाएंगे, ठीक है। इस तरफ ये प्लेन फंदे 9 हमारे थे, लास्ट में अब मेरे पास इतने फंदे हो गए हैं। जब हमारे बाजू की लंबाई पूरी हो जाएगी हम इसमें काट डालेंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी, ठीक है। मैं आपको एक बार मोड़ के दिखा देती हूँ कितनी शेप है और कितने फंदे मेरी सिलाई में हैं। देखिए फ्रेंड्स, मोड़ने के बाद इतनी खुली बाजू है, 6 इंच तक तो मैंने हर तीसरी सिलाई में अपना फंदा बढ़ाया, उसके बाद मैंने 9वीं सिलाई में फंदा बढ़ाया, ठीक है। 9वीं में बढ़ा लीजिए आप, 8वीं में देख लीजिएगा। इस वक्त मेरी सिलाई में 45 जोड़ हैं, ठीक है, ये 7 इंच के करीब है। मैं बस 1-2 फंदा और बढ़ाऊँगी, ज़्यादा नहीं बढ़ाऊँगी, वो मैं आपको 7-8 सिलाइयों के बाद अब फंदा बढ़ाऊंगी अपना, ठीक है। देखिए लंबाई आप अपनी बाजू के हिसाब से रखेंगे, अभी ये 12 पे पहुंच गई हूँ मैं। इसके बाद मैं अपने सिर्फ 3-4 फंदे बढ़ाऊंगी, बाकी मैं प्लेन बनाऊंगी अपनी सिलाई जब तक मेरी बाजू कंप्लीट नहीं हो जाती। उसके बाद हम इसमें काट डालेंगे, जितनी भी आप बाजू रखते हैं उस हिसाब से। अब मैं कोई फंदा नहीं बढ़ाऊंगी, सिर्फ 1-2 बढ़ाऊंगी, थोड़ा ज़्यादा बुनने के बाद 2-2 इंच के बाद बढ़ाऊंगी, ठीक है। 10-12 सिलाई डाल के फिर एक फंदा बढ़ाऊंगी ताकि हमारी ज़्यादा खुली ना हो जाए यहाँ से बाजू। देखिए 90 फंदे बहुत हैं ऊपर से, ये ऊन भी फैदर की है, ठीक है, उस हिसाब से आप फंदे बढ़ा लीजिएगा। पहले तो हमने तीसरी सिलाई में बढ़ाने हैं, फिर 8वीं या 9वीं सिलाई में बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। अगर आप थोड़ी और टाइट पहनते हैं तो पहले ही थोड़ा तीसरी सिलाई में बना के उसके बाद में आप 6वीं 7वीं के बाद बढ़ाने लग जाइएगा, 5 इंच के बाद, ठीक है, थोड़ी सी बनाने के बाद फिर आप ज़्यादा दूर दूर बढ़ाते जाइएगा। इस तरह हमारी बाजू कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है।